पर पहुंचे हैं सुषमा स्वराज के अंतिम दर्शन के लिए? कहां कहां से लोग पहुंचे हैं? देखिए, लगातार ये यहाँ पर रास्ता है, हम आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हम इनसे बात करते हैं, कहाँ से आए सर आप? मैं सीलमपुर विधानसभा से, और आज जो दुख की घड़ी है वो उसकी भरपाई तो नहीं पाएगी। ये बताइए, आप अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? हाँ, अपनी नेता के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी नेता हो सकता है शायद ना हो अभी, जितनी हमारे नेता करी हैं, और छोटे से छोटा कार्यकर्ता को इन्होंने गले से लगाया है, यही सबसे बड़ी इनकी पहचान है। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग हैं और कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं, हम इनसे यहाँ पर बात करते हैं। मैडम, ये बताइए आप कहाँ से आई हैं? मैं नोएडा से आई हूँ, गाजियाबाद भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। सुषमा जी जैसे लीडर को खोके हम आज बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं कि उनका जैसे जो महिला की रक्षा करती थी वो चले गए, उनके लिए हम उसका जैसे लीडर और मिलेगा नहीं। आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई? हाँ, हमारा हर जो बड़े बड़े हम करते थे, अभी जो हुआ था आपका ये इलेक्शन, उसमें हम जगह जगह उनको बुलाते थे कि आइए तो हमारा मोदी जी को कैसे हम जिताए, बीजेपी को कैसे जिताए, बहनों के लिए वोट मांगने के लिए हम आते थे हम। और एक महिला है, आप कहाँ से आई? मैं दिल्ली से, निगम पार्षद, और सुषमा जी के साथ मेरा 30 साल पुराना परिचय, हरियाणा से ही थे तब वे शिक्षा मंत्री थे। सुषमा जी देश की एक ऐसी बहन थी, ऐसे माननीय थी, ऐसी महिला मुझे देखने को नहीं मिले, भाजपा इसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएगा। ये यहाँ पर इस तरीके से अपने जुड़ाव को लोग बयान करते हुए और अपने छोटे छोटे जो अनुभव हैं, महत्वपूर्ण अनुभव हैं जिसके आधार पर उन्होंने सीख ली थी, वो बयान कर रहे हैं। तो ये जन नेता की निशानी है यहाँ पर, और लगातार हम जब सुबह बात कर रहे थे तो राजनेता थे और अलग अलग प्रसिद्ध शख्सियत थी, लेकिन ये आम जनता है, आम लोग हैं, और जब इनका कोई अपने से बीच यहाँ पर चला जाता, बिल्कुल, तो इनकी स्वीकार्यता हर दल के लोगों में थी। हम चलते हैं विक्रांत के पास, वो भी बीजेपी मुख्यालय में ही मौजूद है। विक्रांत, किन किन नेताओं ने सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर के दर्शन कर लिए हैं और किनके पहुंचने की संभावना है? तमाम वीआईपी जो हैं वो सुषमा स्वराज जी के घर पर ही जाकर के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर चुके थे, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने घर पर जाकर के दर्शन किए थे। बीजेपी दफ्तर में लाने का एक खास मकसद था कि बीजेपी का ये जो दफ्तर है, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए पार्टी का कार्यालय उसकी मांग बराबर होता है। सुषमा स्वराज, उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा कार्यकाल बीजेपी के साथ बिताया, तो निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यालय के साथ एक अद्भुत लगाव होता है राजनीतिक कार्यकर्ता का। और सुषमा स्वराज जो 25 साल की उम्र में बीजेपी मंत्री बन गई थी हरियाणा में, और उसके बाद देश की विदेश मंत्री तक रही 2014 का चुनाव जीतने के बाद, और उसके बाद हालांकि 2019 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन यहाँ पर इस समय कार्यकर्ताओं की जो भारी भीड़ है ये यहाँ पर दर्शन करने आए हैं अपने नेता का। इनमें से कुछ लोगों से जानने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आप देखिए किस तरह की भीड़ है यहाँ पर, लोग एक से एक भिड़े हुए हैं, पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। ये वो हॉल है जहाँ पर सुषमा स्वराज का अंतिम दर्शन करने के लिए उनका पार्टी। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगी विक्रांत, इस वक्त मैं चलती हूँ जावेद मंसूरी के पास, जिनके साथ इंद्रेश कुमार मौजूद है। जावेद, इंद्रेश कैसे सुषमा स्वराज को याद कर रहे हैं? देना चाहेंगे क्या अंतिम दर्शन हुए? हाँ, मैं उनके अंतिम दर्शन करके और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके आया हूँ। उनका आखिरी ट्वीट इस बात का सूचक है कि वह ईश्वर से विशेष कृपा प्रदान थी जी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मृत्यु और इस प्रस्ताव का पारित होना, जो 370 और 35 से ये हटनी चाहिए, उनकी जीवन की आस्था थी, भगवान ने उनको ऐसा योग दिया कि वो आस्था भी पूरी हो गई और उनकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई। मैं इसको मानता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति, इच्छा मृत्यु, इसका वरदान प्राप्त था, ये ट्वीट से साफ जाहिर होता है। वह राष्ट्रीयता की और मानवता की प्रतिमूर्ति थी, ममतामयी और जनकल्याण मूर्ति थी।
मेरा बचपन से संपर्क संबंध रहा और अभी भी कुछ विषयों पर समय समय पर संवाद होता रहता था। भारत के लिए और विश्व के लिए एक अपूर्णीय क्षति जरूर है, परंतु मैं ये जरूर कहूँगा कि उनके जीवन से हर एक के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर भारत के लोग उनके जीवन को अपने अपने घरों में जिंदा कर लें तो जो नए भारत का उदय हो रहा है वह एक यशस्वी, प्रखर और छुआछूत मजहब की दीवारों को गिराने वाला भारत बनकर प्रकट होगा। सर, आखिरी मुलाकात कब हुई थी? अगर मेरी कुछ समय पहले मुलाकात हुई थी, जब कभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे मुद्दे होते थे जिन पर चर्चा करना जरूरी है, कभी कभी वो पारिवारिक मुद्दों के लिए भी चर्चा करने के लिए निमंत्रण देती थी, और इसलिए मैंने देखा बड़ी संजीदगी से वो अपने लिए चीज़ों का चयन करती थी और फिर उनको प्रखरता के साथ प्रस्तुत करने में झिझकती नहीं थी, और इस प्रखरता के कारण वह भारत में और विश्व में सब में सर्वमान्य के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो इंद्रेश कुमार जो कि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अपने तरीके से सुषमा स्वराज को याद कर रहे हैं। जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। रवि सिंह के पास हम चलते हैं। रवि, तमाम नेता उनको याद कर रहे हैं, रवि के पास मैं आऊंगी। इस बीच तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर तिरंगे में लिपटा हुआ सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर, और हम आपको ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने ट्वीट किया है, क्योंकि ऐसे बहुत कम राजनेता होते हैं जिनका हर दल के लोग सम्मान करते हैं, हर दल में उनकी स्वीकार्यता होती है, उनके दोस्त तो उनके कायल होते ही हैं लेकिन उनके विरोधी भी उनके कायल होते हैं, और उसी में से सुषमा स्वराज का नाम भी जुड़ जाता है। सुषमा स्वराज जिन्होंने आखिरी समय तक वो देश के बारे में वो जानकारी हासिल कर रही थी उनके ट्वीट के जरिए, और जो उनका आखिरी कॉल था इस बात